हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा जीमेल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। अगर आपके पास एक ऑलरेडी जीमेल अकाउंट है और आप चाहते हो कि दूसरा जीमेल अकाउंट भी बनाओ, जिसके चलते आपका कोई काम हो सकता है कि आप अपना नाम से बनाना चाहते हो, जो पहला वाला है वो आपका काम का नहीं है या कोई सीक्रेट है, आप सेकेंडरी एक ईमेल आईडी बनाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को पहले आ जाना है जीमेल जो एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं वहाँ पर ही लेके चलता हूँ, आप लोग देख सकते हो जीमेल एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद में यहाँ पे ही इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो पहला वाला ईमेल आईडी है यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको नया बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्लिक। तो इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को तीन ऑप्शन मिल जाएगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट है एड अनदर अकाउंट, तो यहाँ पे एड अनदर अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद में आप लोगों को सेटअप ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप लोगों को पहला वाला ऑप्शन पे जाना है गूगल। तो यहाँ पे गूगल पे आने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेकिंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपका जो भी डिवाइस का लॉक है वो दे देना है। तो मेरा स्क्रीन लॉक ए है, मैं दे दिया। इसके बाद में आप लोग देख सकते हो सेकिंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे नया बनाने के लिए आ जाएगा इंटरफेस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो आप यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हो। अगर आपको नया बनाना है तो आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद में दो ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है फॉर माई सेल्फ, तो मेरे खुद के लिए है, और दूसरा वाला जो है टू मैनेज माई बिजनेस, तो कोई बिजनेस है आपका तो उसके लिए। तो आप लोग किस कारण से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे टू मैनेज माई बिजनेस कर देता हूँ। तो इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे नाम दे देना है, आपका नाम ही दे देना है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, तो आप लोगों को पहला वाला अपना नाम दे देना है, बाद में सरनेम दे देना है। तो इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे सही सही दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ देने के बाद में यहाँ पे जेंडर का भी ऑप्शन आ जाएगा नीचे वाला, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप मेल फीमेल तो यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे दे दिया मेल, तो यहाँ पे अभी करना है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका जो भी जीमेल अकाउंट है यहाँ पे आ जाएगा, तो आप वही हिसाब से ले सकते हो या आप खुद भी बना सकते हो यहाँ पे नीचे क्रिएट करके। तो यहाँ पे मैं पहला वाला ही, ठीक है, 467, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके तो आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोगों को एक पासवर्ड दे देना है जो आपका जीमेल आईडी में रहेगा हमेशा के लिए, तो आपको अच्छा वाला एक पासवर्ड दे देना है स्ट्रॉन्ग, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद में यहाँ पे कर देना है आप लोगों को नेक्स्ट। तो यहाँ पे करने के बाद में आप लोग देख सकते हो एक फ़ोन नंबर देने के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को फ़ोन नंबर से कन्फर्म कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को एक फ़ोन नंबर डाल देना है जो भी आपका मोबाइल पे लगा होगा या आपका आसपास होगा, जिससे आपका ओटीपी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। देने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को साइट पे आपका कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे मैं इंडिया को ढूंढ लेता हूँ, क्या तो यहाँ पे कर दिया क्लिक। तो इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा देर वाइट होगा, तो इसके बाद में यहाँ पे एंटर कोड, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया, तो इसके बाद में कर देना स्किप। स्किप करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपना ईमेल आईडी जो है यहाँ पे बन के रेडी हो गया, तो यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, सोर्स पर्सनल सेटिंग्स, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैनुअल पे कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो डोंट सेव वाइप यहाँ पे एक्टिविटी, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे डोंट सेव, तो ऐसे ही करते जाना है, डोंट सेव करते जाना है, नेक्स्ट, तो प्राइवेसी को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। 4 out of 5, तो यहाँ पे और एक बाकी है, तो इसको कंफर्म कर देना है। करने के बाद में यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसको कर देना है एग्री, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम वेट करना होगा, तो आपका लोडिंग होके आ जाएगा डायरेक्ट जीमेल पे। तो आप लोग देख सकते हो गूगल सर्विस, तो यहाँ पे जीमेल पे आ गया डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को पहला वाला ईमेल आईडी वापस से यहीं पे क्लिक करना है। करने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम वेट करना होगा, या आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करके इसको वापस से ओपन करना है, तो यहाँ पे ओपन करने के बाद में आपका अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यही अकाउंट बनाया था 467, तो यही अकाउंट है, तो इसे ही बना सकते हो आप लोग भी। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।